वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल सो इजी मैथ। बेटा जी आज अपन 8th क्लास की वीकली शीट 11 कर जा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो बेटा लाइक जरूर कर देना। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रमेय संख्यावां दा जोड़ है द सम ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है बेटा अपन सम फाइंड आउट करना दोनों का। -5/16 प्लस 7/12। बेटा बटरफ्लाई मैथड यूज़ करते हैं तो सौखा लगेगा। बटरफ्लाई मैथड की होंगे हेठलिया की मल्टीप्लाईकेशन 16 × 12। ठीक है 12 नूं बेटा 5 नाल -5 × 12 -60 प्लस 7 × 16 कितना बन गया 112। ठीक है 112 चो 60 माइनस कितने बेटा अपने को कितना आ गया ये बन गया अपने को 52 डिवाइडेड बाय 16 × 12। ठीक है प्लस दे बटे सी प्लस दे 52 ये 2 दे टेबल दे कट गए इन 2 ते डिवाइड किया 8 इन 2 ते डिवाइड किया कितना आ गया 26 फिर बेटा 2 दे टेबल दे कट जाएंगे 2 ते डिवाइड किया 13 2 ते डिवाइड किया 4। ठीक है अपने को बन गया 13/4×12 ये बन गया 13/4 12 ना मल्टीप्लाई किया कि आ गया अपने को 48। ठीक है 13/48 देखो ऑप्शन से केड़ा आंसर अपने को ही सी ऑप्शन। ठीक है बेटा नेक्स्ट देखो 4/15 प्राप्त करने 7/12 विच केड़ी संख्या जोड़नी चाहिदी है। वट नंबर शुड बी एड टू 7/12 टू गैट 4/15। देखो बेटा 7/12 दे विच आपां केड़ा नंबर जोड़िए मैं क्वेश्चन मार्क पाता कि अपने कोल कीना आंसर आ जाए 4/15। ठीक है हुण आपां क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैलकुलेट करनी है वह कि आजगा 4/15 7/12 राइट साइड पर जाके की बन जाएंगे माइनस से। ठीक है हुण बेटा तुसी बटरफ्लाई मैथड यूज़ करो उहदी हेठलिआं दी मल्टीप्लाईकेशन 15 × 12 12 नूं 4 ना करो बेटा कितना आ गया अपने कोल 48 7 नूं 15 नाल कितना आ गया बेटा अपने कोल 105। ठीक है माइनस दे 105 प्लस माइनस 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 के साइन वड्डे ने बेटा तो माइनस की निशानी लगावेंगे आपां कितना आ गया अपने कोल माइनस दे 57/15×12। ठीक है मैं मल्टीप्लीकेशन बेटा ता नहीं कर दी क्योंकि उपर नीचे वैल्यू कैंसल आउट हो जाती कई बार। हुण देखो ये 3 ते डिवाइड कर दो इनू 3 ते डिवाइड किया कितना आ गया 19 इनू 3 ते डिवाइड किया कितना आ गया 5 अपने कोल आ गया -19/5×12 ये बन गया माइनस दे 19 5/12 ना किया कि आ गया 60 तो अपना आंसर कि आ गया -19/60। ठीक है बेटा केड़ी ऑप्शन आ गई अपने कोल ये ए ऑप्शन। ठीक है यदा कि आया सी 13/48 यदा कि आया -19/60। नेक्स्ट देखो -2 प्राप्त करने लिए 3/-3/5 विचों केड़ी संख्या घटाई जानी चाहिदी है। वट नंबर शुड बी सबट्रैक्टड फ्रॉम -3/5 टू गैट -2। देखो बेटा -3/5 विचों केड़ा नंबर घटाइए मैंने माइनस पा के क्वेश्चन मार्क पाता कि अपने कोल कितना आंसर आ जाए -2। ठीक है हुण देखो मैं -2 लैफ्ट साइड ले आऊँगी प्लस का बन जाएगा क्वेश्चन मैं राइट साइड पर ले जावांगी देखो प्लस का बन जाएगा अपने को आ गया -3/5 प्लस दे इधर आगे 2 बन गए =? यदि वैल्यू आप कैलकुलेट करनी है बटरफ्लाई मैथड /1 पा लो बेटा हेठलिआं दी मल्टीप्लाईकेशन कितना आ गया अपने कोल 5। ठीक है -3×1 -3 2×5 10 +10 =? 10 चो 3 के कितना आ गया अपने को 7/5 =? अपना आंसर कितना आ गया बेटा जी 7/5। बेटा जी ये ऑप्शंस गलत ने। ठीक है यदा आंसर कितना होगा 7/5।
क्योंकि इन्हें किसी ऑप्शन की कटिंग करके भी आंसर 7/5 नहीं बनता। ठीक है, इन्हें ठीक कर लेना। नैक्सट देखो, फोर्थ क्वेश्चन नू सरल करो, सिंपलीफाई करना बेटा। ये फोर वैल्यूज़ ने ते जे दो दो करके बटरफ्लाई मैथड यूज़ कर लो, जे तुसी बेटा जी एलसीएम मैथड यूज़ कर लो। ठीक है, मैं एलसीएम लेके करवानी हाँ। सब तो पहला एलसीएम लवेंगे कि 3, 5, 15, 20 का। ठीक है, लला हिस्सा वाह वाह कि जाके बेटा जी पहला 3 3 3 1 3 5 इदा ही आ जाएगा, 3 टेबल तो नहीं आता, 3 5 15 ये भी 3 तो नहीं आता। ठीक है, 20 अपना एज इट लिखा, हूँ कितने जाएगा 5 से, 5 1 5 5 1 5 5 4 20। फिर 2 तो गया बेटा प्राइम नंबर, आप संख्यावान लेनिया ने 1 1 इतने कि आ जाएगा बेटा जी 2। फिर 2 तो जाएगा 2 1 2। हम अपने को एलसीएम कि आ गया यदा 3 × 5 × 2 × 2 3 5 15। ठीक है, 15 2 2 ना किता 4, 15 4 ना किता कि आ गया अपने को 60। ठीक है, अपने को एलसीएम कि आ गया बेटा जी 60। चलो अगे इन सोल्व करते हैं, अपने को एलसीएम कि आ गया सीगा 60। हूँ देखो डिनोमीनेटर 60 नाल डिवाइड करना, जिहड़ा आंसर आ जाऊगा न्यूमीनेटर मीनस अंश नाल मल्टीप्लाई करना। 60 3 ते डिवाइड किया कि आ गया अपने को, देखो जो आप 60 3 ते डिवाइड करते हैं तो कि जो अपने को 20। ठीक है, तो 2 नू आप 20 नाल की करांगे मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, फिर 60 फिर 5 ते डिवाइड करो। ठीक है, जो आप 60 5 नाल डिवाइड करांगे तो कि जो अपने को 12। ठीक है, मैं कल आंसर लिखे ने 12 4 नाल की करांगे आप मल्टीप्लाई। फिर देखो बेटा प्लस इतनी 60 15 से डिवाइड करोगे कि आ गया 4, 4 7 नाल की हो जाएगा मल्टीप्लाइकेशन, प्लस माइनस माइनस, 60 20 से डिवाइड किया कि आ गया 3, 3 11 नाल मल्टीप्लाई किया 11 × 3। हम देखो 2 × 20 = 40, 12 × 8 = 448, 7 × 4 = 28, 11 × 3 = 33, डिवाइड बाय 60। ठीक है बेटा, उस तो देखो प्लस दे वैल्यूज कट्ठिया कर लो, प्लस दे 40 प्लस दे 28 किन्ने बन गए अपने को 68, प्लस दे माइनस दे 48 माइनस दे 33, माइनस माइनस प्लस निशानी माइनस दी कि आ गया माइनस दे 81 डिवाइड बाय 60, प्लस माइनस माइनस 81 दे विचों 68 गए कि आ गया अपने को 13, माइनस दे वड्डे ने तो माइनस दे 13 आ गए बेटा डिवाइड बाय 60, तो अपना आंसर कि आ गया -13/60। ठीक है, डी ऑप्शन क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट देखो, परमेय संख्या 3/40 बराबर है रैशनल नंबर 3/4 = 2, 3/40 = 2। देखो बेटा पॉइंटा च आंसर ने, इनू पॉइंटा च कन्वर्ट कर लो जिमें 3/40। ठीक है, हूँ देखो नीचे 10 बना सकते हैं, 100, 1000, 10,000, 0 च कन्वर्ट कर लो सौखा हो जाएगा। 40 दे टेबल ते 40 कि मल्टीप्लाई करिए भी 1000 बन जाए अपने को 25 नाल। ठीक है, देखो 25 3 ना किता कि आ गया 75, 25 4 ना किता 100, नाल एक 0 पे आ जाएगी। ठीक है, तो 3 डिजिट बाद पॉइंट 75 1 2 3 पॉइंट, ठीक है 0, तो कि आंसर आ गया अपने को डी ऑप्शन। ठीक है, तुसी डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो, जे 3 तुसी 40 नाल डिवाइड करोगे फिर भी थोड़ा इन्ना आंसर आ जाएगा। नैक्सट देखो, 1/2 और 3/4 के विचकार संख्या है, इन दोनों के विचकार कौन सी संख्या है। देखो 1 विच रख के 2 ते डिवाइड करोगे तो यह आंसर कि जो अपने को 0.5, 3 नू अंदर रख के बेटा 4 ते डिवाइड करोगे तो यह आंसर कि जो अपने को 0.75। ठीक है बेटा, उस तो बाद देखो 2/5 दी डेसिमल फॉर्म किन्नी बनूगी, 2 विच रख के 5 ते डिवाइड करो कि आ गया अपने को 0.5।
4। ठीक है, इदा ही 4/3 की डैसीमल फॉर्म किन्नी बनेगी अपने कोल 1.33। अगे अगे जाई जाएगा बेटा, इनू 3 बार भी लिख सकते। चलो 5/8 की डैसीमल फॉर्म किन्नी बनेगी 0.625। 1/4 की 0.25। ठीक है बेटा, हूँ देखो इतने आप 0 पा सकते हैं, 2 डिजिट्स कंप्लीट कर ली हैं। 0.50 ते 0.75 दे विचकार केड़ा नंबर आएगा? दिस इज समाल नहीं आएगा बेटा, 1.3 बढ़ गया, ये भी नहीं आना। 0.625 इन्हां दोनों दे विच विच आएगा, क्योंकि आप एक 0 होर भी लगा सकते हैं। ठीक है, 0.500 ते 0.750 दे विचकार कि ना गया 0.625, ये नंबर लैस है बेटा, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कि आ गया अपने को सी ऑप्शन 5/8। क्लीयर हो गया बेटा। नैक्सट देखो, -6/5 की तुल प्रमेय संख्या है, द इक्वलेंट रैशनल नंबर ऑफ -6/5। इक्वलेंट देखो बेटा, किदी कटिंग करके अपने कोल -6/5 आ जाएगा, जां तुसीं 6 दा टेबल भी पढ़ सकते हो। देखो -6/5 जो आप 2 ते 2 दे टेबल तक करांगे, 6 × 2 किन्ना बन गया -12, 5 × 2 किन्ना बन गया 10, तो ऑप्शन कि आ गया अपने को -12/10। तुसी कटिंग करके भी देख सकते हो, देखो 12/10 2 ते कटिंग करोगे, 2 ते डिवाइड करोगे तो किन्ना आ गया अपने को 6/5। जे माइनस दे लोगे तो -6/5, इट मीनस अपनी ऑप्शन की आ गई बेटा जी सी। नैक्सट देखो, संख्या रेखा ते बिंदु पी क्यू आर एस टी यू अते वी हन। यू एस इजिकल टू एस वी, यू एस इजिकल टू एस वी, एस वी इजिकल टू वी आ, मतलब सारे इंटरवल बराबर ने बेटा। तो डबल्यू टी इजिकल टू टी पी, टी पी इजिकल टू पी क्यू। ठीक है, अपने देना बेटा क्वेश्चन 8 तो लैके क्वेश्चन 9 तक, इन्हें सब दे आंसर देने ने। चलो पहला बेटा अपन नंबर शो कर लैने भी कि नंबर ने यह। देखो जिमें इतने के सेंटर की है बेटा अपने को 0। नैक्सट देखो किन्ने पार्ट्स ने, 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 पार्ट्स ने बेटा, लैफ्ट ते राइट दोनों पासे 0 तो लैके -1 दे विच विच। मीनस जो आर पॉइंट आ ये किन्ना बनूगा -1/5, वी पॉइंट किन्ना बनूगा -2/5, दिस वन -3/5, दिस वन -4/5, दिस वन -5/5, तो ही बेटा कैंसल आउट होकर -1 आ गया। इधर राइट साइड पर 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 ये कैंसल आउट हो गया बेटा जी, 1 आ गया। हूँ देखो अपने ये दसना क्यू द्वारा दर्शाई गई प्रमेय संख्या, क्यू किस नंबर को दर्शा रहा है? 4/5। ठीक है, केड़ी ऑप्शन आ गई अपने को सी। 8th सीगा बेटा अपने को पी द्वारा, पी केड़ा पॉइंट अपने को पी द्वारा दर्शाई गई। ठीक है, किन्नी अपने को देखो 3/5 मीन्स ए ऑप्शन। ठीक है, नैक्सट है आर द्वारा दर्शाई गई, आर नंबर किसनों रिप्रजेंट कर रहे हैं? -1/5। देखो ऑप्शन केड़ा है, कोई नहीं बेटा ये नन ऑफ दीस। ठीक है, देखो जो ए ऑप्शन सी आंसर सेगा अपने को 8th क्वेश्चन का 3/5, 9th क्वेश्चन का आंसर की आया अपने को 4/5, 10 वाले क्वेश्चन का आंसर की है नन ऑफ दीस। ठीक है बेटा, क्लीयर हो गए। थैंक्स बेटा फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।